हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस हॉरर मूवी डायरेक्टर रामसे ब्रदर्स के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। रामसे ब्रदर्स ने 1972 में आई मूवी दो गज जमीन के नीचे से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी का बजट 3,50,000 रहा। भारत में कमाई 45 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 90 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1975 में तुलसी रामसे और श्याम रामसे की मूवी आई अंधेरा। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 33 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 70 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी चैमेट रही। 1978 में तुलसी रामसे और श्याम रामसे की मूवी आई दरवाजा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, अंजू और इम्तियाज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,10,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1989 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई और कौन। इस मूवी के लीड कास्ट में रंजनी और पद्मनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 72 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1980 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई सबूत। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद मेहरा, काजल किरण और विद्या सिन्हा शामिल थे। इस मूवी का बजट 55 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल तुलसी रामसे और श्याम रामसे की मूवी आई गेस्ट हाउस। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 90 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1981 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई दहशत। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की एक और मूवी आई सन्नाटा। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,70,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की 9वीं मूवी आई होटल। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, नवीन निकोल शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 21 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रामसे ब्रदर्स की 10वीं मूवी आई घुंगरू की आवाज। इस मूवी के लीड कास्ट में विजय आनंद और रेखा शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 20 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1984 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई पुराना मंदिर। इस मूवी के लीड कास्ट में मोहसिन बहेल, आरती गुप्ता और प्रदीप कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 70 लाख रहा। भारत में कमाई 2,15,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1985 में केसु रामसे की मूवी आई हवेली। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन और मार्क जुबेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 31 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 62 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई 3D समरी। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिरुद्ध अग्रवाल, राजन सिप्पी और आरती गुप्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 58 लाख रहा। भारत में कमाई 43 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 86 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई तहखाना। इस मूवी के लीड कास्ट में हरमित पुनीत और आरती गुप्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 1,70,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1987 में केसु रामसे की मूवी आई डाक बंगला। इस मूवी के लीड कास्ट में राजन सिप्पी, रंजीत और मजर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 70 लाख रहा। भारत में कमाई 30 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,60,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1988 में रामसे ब्रदर्स की मूवी आई वीराना। इस मूवी के लीड कास्ट में हरमित ब्रिज, जैस्मीन और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 2,80,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,75,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल
केशु रामसे की मूवी आई मेरा शिकार। इस मूवी के लीड कास्ट में कबीर बेदी, डिंपल कपाड़िया और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1989 में केशु रामसे की मूवी आई महल। इस मूवी के लीड कास्ट में हुमा खान, सुरेश ओवर रॉय और सदाशिव अमर पालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 लाख रहा। भारत में कमाई 35 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 70 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई पुरानी हवेली। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपक प्रसाद, नीलम मेहरा, अनीता और विजय अरोरा शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 1,55,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,95,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल केशु रामसे की 20वीं मूवी आई खोज। इस मूवी के लीड कास्ट में नसुद्दीन शाह, रिमी काटगर और ऋषि कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1990 में किरण रामसे की मूवी आई शैतानी इलाका। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपक प्रसाद, नीलम मेहरा और आशा लता शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 52,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,10,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई बंद दरवाजा। इस मूवी के लीड कास्ट में मंजीत कुलार, अरुणा ईरानी और हसमत खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 48 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,30,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमीड रही। 1991 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई अजूबा कुदरत का। इस मूवी के लीड कास्ट में हमिद बिरिज, दीपक प्रसाद और सोनम शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 23 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 47 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल किरण रामसे की मूवी आई आखिरी चीख। इस मूवी के लीड कास्ट में विजय अरोरा, अनिल धवन, दीपक प्रसाद, पूनम और सुरेश पाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 85 लाख रहा। भारत में कमाई 23 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 47 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की 25वीं मूवी आई पुलिस मित्तु दादा। इस मूवी के लीड कास्ट में विष्णु वर्धन और संगीता बिजलानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 18 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 36 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल श्याम रामसे और तुलसी रामसे की 26वीं मूवी आई इंस्पेक्टर धनुष। इस मूवी के लीड कास्ट में विष्णु वर्धन और संगीता बिजलानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 50 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1994 में श्याम रामसे और तुलसी रामसे की मूवी आई महाकाल। इस मूवी के लीड कास्ट में करण शाह, अर्चना पूरन सिंह, रीमा लागू और जॉनी लीवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 80 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1998 में डायरेक्टर राजन सिप्पी की मूवी आई 2001। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे रामसे ब्रदर्स। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी शराफ, डिंपल कपाड़िया, रजत बेदी और तब्बू शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,55,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,25,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। सन 2000 में डायरेक्टर राजन सिप्पी की मूवी आई तलाशी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे रामसे ब्रदर्स। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी शराफ, जूही चावला और मुकेश खन्ना शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,50,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2003 में श्याम रामसे की मूवी आई धुंध। इस मूवी के लीड कास्ट में अमर आदित्य, पूर्णिमा अग्निहोत्री और दिव्या पलक शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2006 में दीपक रामसे की मूवी आई आत्मा। इस मूवी के लीड कास्ट में कपिल झावेरी, नेहा वाजपेयी और मुकेश तिवारी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 66 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने
94 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2007 में श्याम रामसे की मूवी आई घुटन। इस मूवी के लीड कास्ट में उन अरोरा और पूजा भारती शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 23 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 47 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल श्याम रामसे की एक और मूवी आई बचाओ। इस मूवी के लीड कास्ट में निरुद्ध अग्रवाल और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 80 लाख रहा। भारत में कमाई 4 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2014 में श्याम रामसे की मूवी आई नेवर्स। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी सिंह, अरवाज अली खान और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 44 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 90 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही और यही अब तक की रामसे ब्रदर्स की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको रामसे ब्रदर्स का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। थैंक यू।